कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, कल हमने एक वीडियो किया था, एक नहीं दो वीडियो थे, जो मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट्स को लेकर एक मामला चल रहा था कि कवड़ यात्रा जो रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं वो लोग अपनी जो शॉप्स हैं उनके बाहर अपने अपने नेम प्लेट्स लगाएंगे ताकि जो लोग हैं वो लेने वाले हैं, क्योंकि जो सनातनी लोग होते हैं वो नॉन वेज होते हैं मोस्टली, और जो अगर वो वहाँ पे मुसलमान अगर अपनी कोई चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाते उस तरह से, तो वो हर कुछ खा लेते हैं, तो अपने अपने मजाहिब की बातें हैं, लेकिन फिर भी वो अगर उन्हीं नामों को लेकर अपनी दुकानों को नाम रखे हुए हैं और वो सनातनी धर्म के लिहाज से, तो ये जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म करने के लिए जहाँ से भी कहीं से जो शिकायतें वसूल हो रही, ये मामला बढ़े ना उसके लिए ये जो काम किया गया है उस पर क्या हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस पर स्टे दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया उत्तर प्रदेश में जो ये मुजफ्फरनगर में ये जो मामला हो रहा है। तो और स्टे क्यों दिया उस पर बात करें रिजवान साहब, आइए मिलकर देखते हैं वीडियो क्या इसके लिए न्यू अपडेट है, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो नेम को लेकर मातम कर रहे हैं और सीना पीट रहे हैं और कह रहे हैं इससे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जहां पर भी मटन की दुकान होगी वहां पर दुकान का जो भी नाम होगा उस मुस्लिम मालिक का नाम वहां पर जरूर लिखा होगा, रिजवान मटन शॉप, रेहान चिकन शॉप, सरफराज मटन शॉप, जरूर लिखा होगा। आपके जो नौकर शाही है वो अति उत्साह में, भैया समझ में नहीं आ रहा आपको खुश करने के लिए या आपको फंसाने के लिए, अति उत्साह में बॉर्डर पार कर जाते हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं कि शबरी के झूठे भेद भी प्रभु राम ने खाए थे, तो काश वो मेरे सामने हो तो मैं उससे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बेटा शबरी के झूठे भेद तो प्रभु राम ने खाए थे, पर प्रभु राम को ये पता था कि ये शबरी है। तो साथियों मैंने दो बार वीडियो बनाया, किस पर वीडियो बनाया, अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी कि जो 240 किलोमीटर लंबे रूट पर सरकार का आदेश आया है कि वहाँ पर जो भोजनालय हैं या जहाँ भी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं वो अपना नाम अपने नाम के दुकान के ठेले के नीचे लिखें, और ये आदेश दोनों के लिए आया। पर मुझे पता था कि कहां पर एक बार फिर अति उत्साहित नौकरशाही गलती कर रही है, या आका को खुश करने के लिए या आका को इसलिए कि आका को टारगेट किया जाए, और आका यानी प्रदेश का मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आए। अब यह काम सरकार को खुश करने के लिए करे जा रहे हैं या ओवर जीलियस अति उत्साहित होकर ये गलतियां हो रही हैं। आपके भाई ने दो बार बात रखी थी, दो वीडियो बनाए थे, और दोनों में अलग अलग क्या चीज एक बात बोली थी, ध्यान से सुनिएगा, कि ढाबों पे प्रोपराइटर के पूरे नाम लिखे जाएंगे। वैसे ये आदेश नहीं आया है कि ढाबों के नाम बदले जाएंगे, और अगर पुलिस ढाबों के नाम बदलवा रही है वो गलत है। हाँ, जब तक वो हिंदू देवी देवता और हिंदू आस्था के नाम पर हैं और उनका प्रोपराइटर मुसलमान है तो हाँ भाई उसका नाम तो चेंज कराना चाहिए। तो अब कुल मिलाकर ये चीज़ आई कि भैया आपको नाम नहीं बदलना है, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, आपको सिर्फ अपने नाम के नीचे बॉम्बे ढाबा है अपने नाम के नीचे आपको लिखना है प्रोपराइटर सैयद रिजवान अहमद। अब उसके बाद कोई कावड़िया आए आए ना आए आए, फलों की दुकान पर भी यही चीज़ है, हर जगह हिंदू भी नाम लिख रहा है मुसलमान भी नाम लिख रहा है। हाँ एक बात दोहरा दूं, अगर पुलिस ये कह रही है किसी ढाबे वाले से कि आप मुसलमान नौकरों को निकालिए तो ये गोइंग टू मच इनटू द ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर सरकार ने कोई नहीं दिया है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? इस पूरे आदेश में और ये चीज़ आर्गुमेंट में भी आई है, मुझे पता चल रहा था बतौर अधिवक्ता
कि इस आदेश को गलत तरीके से कैसे पेश किया जा रहा है। आदेश था ही नहीं कि नाम बदले जाएंगे। एक किस्सा जो मेरी नजर पे चढ़ा कि एक ढाबे का नाम था बाबूजी का ढाबा, उसे कराया जा रहा है बाबू खान का ढाबा। मैंने दोनों जगह और वीडियो में और डिबेट में भी मैंने ये बात बोली कि ये आदेश नहीं है। आपका अगर कोई ढाबा है बॉम्बे ढाबा या कोई भी, आप उसके नीचे सीधे अपना छोटा सा नाम आप प्रोप्राइटर करके अंकित करिए, जो अक्सर शॉप्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अति उत्साह में ये कहना कि आप अपने मुसलमान नौकर निकालिए, आप ये कराइए, ये तक किस्सा हुआ एक सड़क वाले से कहा जा रहा है आप मेन सड़क से हटके आप किनारे गली में जाइए और नाम बदलिए, ये गलती थी। और आर्गुमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको इसी तरीके से उठाकर पेश किया गया। एक सीधा सिर्फ आदेश था कि सावन के चलते इस मार्ग पर सभी दुकानदार अपने नाम उस पर अंकित करेंगे। लेकिन जब इधर से विपक्ष ने इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी, अनटचेबिलिटी का रंग देने की कोशिश करी, जैसा मैंने आपको अपने कोर्ट का किस्सा सुनाया, अपने कोर्ट का जो अधिवक्ता बंधु सबसे ज्यादा मेरे करीब है, नवरात्रि में जब वो व्रत रखता है तो मैं उसका पानी इस्तेमाल नहीं करता और मैं उसका पानी मांग पीने के लिए बोतल नहीं मांगता। लेकिन ये अनटचेबिलिटी नहीं है, ये सम्मान है। बस फर्क इतना है कि आपके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जब बगल से पिटीशन आती है उसको किस तरह से उसको वहां पर प्रभाषित करते हैं, आपका पक्ष रखते हैं, और आपकी नौकरशाही आपके आदेश का कितना उल्लंघन कर रही है और आप मौके पर चुप हो जाते हैं, ये ही गलती है। नाम बदलवाने के लिए आदेश नहीं था। मैंने पहले भी बोला आदेश आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले कि ये चीज गलत हो रही है। और दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट की कभी भी आलोचना नहीं करता हूं। मैं करूंगा तो सकारात्मक आलोचना करूंगा बतौर जिम्मेदार वक्ता और अधिवक्ता। और ऐसा नहीं है कि मैं अधिवक्ता हूं तो मैं घोर आलोचना नहीं कर सकता, कोई एक्शन हो जाएगा मेरे खिलाफ, ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी नजरिए से एक चीजों पर फैसला देता है। आज अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जो जज बैठे हैं, क्या वो टूलकिट का हिस्सा हैं, तो मुझे क्या यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को के लिए जो महीने का खर्चा तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक बार पुनः आदेश किया, तो क्या वो भी किसी टूलकिट का हिस्सा थे? तो ना, रिजवान अहमद ये गलती बतौर वक्ता अधिवक्ता नहीं करता है। और वो लोग जो दो मुहे हैं वो आज के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की स्टे पे तो वाहवा करेंगे, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है मात्र 7 दिन पहले कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी महीने का खर्चा मिलेगा, तो कहेंगे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश किया है तो उसको मानना चाहिए। और अगर आपके पुलिस कर्मियों ने कोई धरातल पर अति उत्साहित होकर कोई गलतियां करी हैं, जबरदस्ती नाम बदलवाए और लोगों को नौकरी से निकलवाया, तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये आप देखिए कि जब आप एक आदेश देते हैं तो वो क्या आदेश है, उसका भाव क्या है, और उसको धरातल पर इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि आखिर में शर्मिंदगी और एम्बैरेसमेंट आपका होगा, उनका नहीं होगा। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों से खुश हूं। महिला को, जो मुस्लिम महिला को महीने का खर्च मिला, उससे बेहद खुश हूं, शुक्रिया करता हूं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश किया है तो इसमें सरकार की कमी है कि आपके अधिवक्ता गर्मी से, जोश से और लॉ के दायरे में रहते हुए मजबूती से जवाब नहीं दे पाते। और दूसरी बात, आपके जो नौकरशाही है वो अति उत्साह में, भैया समझ में नहीं आ रहा आपको खुश करने के लिए या आपको फंसाने के लिए, अति उत्साह में बॉर्डर पार कर जाते हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, जिसके लिए आपके भाई ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो मेरा इसी में यही आर्गुमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जब तक है, 26 तारीख को फिर से आर्गुमेंट होगा, आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपने थाना प्रभारी और अपने एसएसपी से कहना चाहिए कि अति उत्साहित होकर
कभी भी हमारे आदेश पर बॉर्डर ना लांगो, लक्ष्मण रेखा ना पार करो, क्योंकि तुम जब लक्ष्मण रेखा पार करते हो तो जवाबदेही हमारी बनती है। और जो एक सितारा ने, एक स्टार ने एक ट्वीट किया कि शबरी के झूठे भेद भी प्रभु राम ने खाए थे, तो काश वो मेरे सामने हो, तो मैं उससे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बेटा शबरी के झूठे बेर तो प्रभु राम ने खाए थे, पर प्रभु राम को ये पता था कि ये शबरी है। बस ये जो नेम प्लेट का है, ये सिर्फ ये है, ऊंच नीच करना नहीं चाह रहा, मुझे पता होना चाहिए, चाहे सावन हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रमजान हो, कि मैं कहाँ पर क्या खा रहा हूँ। और नेम प्लेट की एक और भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो नेम को लेकर मातम कर रहे हैं और सीना पीट रहे हैं और कह रहे हैं इससे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जहां पर भी मटन की दुकान होगी वहां पर दुकान का जो भी नाम होगा उस मुस्लिम मालिक का नाम वहां पर जरूर लिखा होगा, रिजवान मटन शॉप, रेहान चिकन शॉप, सरफराज मटन शॉप, जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप उसका जब नाम पढ़ें और मुसलमान उसकी दुकान पर मीट या चिकन लेने के लिए आए तो उसको यकीन हो कि वो एक हलाल मीट इस दुकान से, मुसलमान की दुकान से लेकर जा रहा है। लेकिन किंतु परंतु, जैसे मैंने उस दिन वीडियो में बताया था, एक जाहिल बोल रहा था कि वो लहसुन कहाँ से आया, प्याज कहाँ से आई, मिर्चा कहाँ से आई, दाल ये भी बताओ। लेकिन जब आप किसी रिजवान मटन शॉप या हिलाल आमिर मटन शॉप पे मीट लेने जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि ये बकरा कहाँ से आया, ये बकरा तंदुरुस्त था या नहीं था, अरे जिंदा था या मर गया था, इसकी उम्र क्या थी, तुमने इसके क्या दांत गिने थे, क्या ज़बा करते हुए तुमने कलमा पढ़ा था, क्या इसको ज़बा मुसलमान ने किया था, ये सारी बातें मुसलमान नहीं पूछता। सिर्फ वो देख लेता है कि रियान मटन शॉप, रिजवान मटन शॉप, और उसको यकीन हो जाता है कि जो वो लेके जा रहा है वो हलाल है। इसी तरह नॉनवेज की दुकान पर भी जब मुसलमान देखता है ये मुसलमान की दुकान है तो वो संतुष्ट हो जाता है, जो मैं खा रहा हूँ ये ठीक खा रहा हूँ, हो सकता है बरा हुआ मरा हुआ बकरा या बरा हुआ मुर्गा काट के उसको खिलाया जा रहा हो, लेकिन उसको यकीन है कि जो मुझे खिलाया जा रहा है ये ठीक है। तो ये है अहमियत नाम की, यानी आप वहाँ पर नाम लिखोगे जहाँ पर नाम से आप मुस्लिम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आइए यहाँ पर हलाल का मीट मिलता है, वहाँ आप नाम अपना बड़ा बड़ा लिख दोगे, लेकिन दूसरी जगह आप नाम नहीं लिखोगे। लेकिन अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ नाम की होती ये कभी भी स्टे ना होता, सिर्फ नौकरशाही ने कहीं नौकर को निकलवाना, कहीं किसी ठेले वाले को लाठी मार के मेन रोड से अंदर घुसड़ देना कि तुम अंदर जाओ, यहाँ पर दुकान नहीं लगाओगे, कबू बाबा बाबू बाबा बाबू जी का ढाबा का नाम बाबू खान का ढाबा करवा देना, ढाबों के नाम चेंज कर देना। उसका ये नतीजा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजेस ने फिलहाल इसको स्टे दिया, और कोई इस स्टे में भी ढूंढ के निकाल ले कि नहीं भैया ये है वो है ये है, ना ना मानना पड़ेगा। अगर आप एक वक्ता हैं, जिम्मेदार वक्ता हैं, कि कहाँ पर गलती हो रही है, और आपके भाई ने आपको पहले बता दिया था कि ये जो ओवर जीलियस नौकरशाही कर रही है यही गलती है, और वो ही आर्गुमेंट मेन आर्गुमेंट हुए हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आज इस ऑर्डर को, जो बिल्कुल जायज़ ऑर्डर था और इस तरीके से दिखाया गया जैसे इससे आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हो, या कांवड़ियों की जो मुसलमान और कांवड़ियों को लेके जो मुसलमानों का रिश्ता था कांवड़ियों से, आप उसमें दरार बांट रहे हो। मैंने अपने वीडियो में क्या बोला था, अभी भी मुसलमान शबील लगाएंगे और कांवड़िए वहां पर खड़े होकर खस या रूह अफ़ज़ा पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, बात ये नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कि ये मुसलमान भाइयों ने शबील लगाई है, जिस कांवड़िए की मर्जी होगी पिएगा और जिसकी मर्जी होगी नहीं पिएगा। लेकिन इसको मीडिया में और सोशल मीडिया में मुसलमान और हिंदू की छूत अछूत को लेकर पेश किया गया और जरूरत से ज्यादा इंप्लीमेंट कराया गया, उसी लिए ये चीज स्टे हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा रिजवान सर का बात कर रहे थे, वो स्टे हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर
और ये क्यों हुआ है, क्या वजूहत है इसके पीछे, कुछ कहते हैं कि ये ठीक हुआ, कुछ कहते हैं कि ये गलत हुआ। देखिए गलत यही है कि अगर उन रस्तों पे जो दुकानें हैं, दुकानदार अगर मुसलमान है, नाम उसने भगवानों के नाम पे रखे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक धोखा देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के नाम पर वो अपना नाम अगर वो जाहिर करता है, दुकान का नेम अगर कोई भी रखता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब जो जो कवड़ यात्री हैं वो जाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, किसी के पास जाएं, चीज ले, किसकी बिजली है नहीं बिजली ये अलग है। लेकिन इस पे एक वबात हो गया है और हर तरफ से इस पे सोनू सूद ने कुछ कह दिया, इसने कंगना रनौत ने कुछ कह दिया, इस पे फलाने ने कुछ कह दिया, इस पे ढिमके ने कुछ कह दिया, और फिर वीडियोस भी सोशल मीडिया पे, और एक अलग ही बहस शुरू हो गई यहाँ पे कि ये एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो रिजवान साहब ने फिर उसका विस्तार किया कि ये खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये खास कम्युनिटी जो टारगेट करती है दूसरे धर्म वालों को, उसको बचाव के लिए ये किया जा रहा है। और जब किसी भी कवड़ यात्रा में पत्थरबाजी होती है, कवड़ यात्रा में रस्ते में अगर एक मुसलमान दुकानदार बेच रहा है, वो बिल्कुल बात उनकी सही है कि अगर मटन शॉप होगी तो उस पर तो धड़ल्ले से नाम लिखा होगा, लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ें हैं दूसरी और बेच रहा है, तो वहाँ पे वो नाम अपने जाहिर नहीं करते, छुपाते हैं। और ये अक्सर हमने देखा है, कई सारे वीडियोज हमने देखे हैं उसमें ये होता है, और ये नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी जाहिर करने से मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा एतमाद बढ़ेगा। आप अपने अगर शिनाख्त छुपाते नहीं हो, जाहिर करके वो चीज बेचते हो, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज्यादा बिक्री होगी, ज्यादा सेल होगी, और ये प्रोपोगंडा भी नहीं लगेगा किसी को। और वो जो चीजें हैं जो खास करके होती हैं, जो पत्थरबाजी होती है, ये सारी चीजें, वो भी कहीं ना कहीं रोकने में मदद मिलेगी इस चीज से। बिल्कुल ऐसी है, देखिए एक चीज है, आपका ठेला है, आपने फ्रूट लगाया हुआ है, तो आप अपना नाम ले दे प्रोप्राइटर फलां फलां फलां, तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। पता चल जाएगा कि भाई ये मुस्लिम ने ठेला लगाया हुआ है, या किसी सनातनी ने आया, या सिख ने आया, या किसी क्रिश्चियन ने लगाया हुआ है, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। इसे हालांकि आप आपका एतमाद बढ़ेगा कि भाई देखिए इसने अपना नाम जो है, नाम प्लेट जो है वो हाईलाइट की हुई है, इस पे वो बात जो है वो फैल रहा है। लेकिन ये वो बात नहीं फैलना चाहिए। देखें पहले भी यात्राएं निकलती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो स्टोन पल्टिंग करते हैं या उनको जो हुटिंग करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। जो भी शर्पसंद अनासर हैं, उनको सामने फ्रंट पेज पे लाने के लिए ये ऐसे किया जा रहा है। लेकिन जो है दुकानदार जो है, जो ठेले वाले हैं या जो होटलिंग कर रहे हैं, ये जो भी किसी की दुकान है, वो उस रास्ते पे जो दुकानें पड़ रही हैं, वो अगर अपना नेम प्लेट जो है हाईलाइट कर देंगे, तो उससे कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल जी, आप देखिए अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो भी किया जा रहा है, ये दूसरी जो पार्टियां हैं वो देखिए, ये सारा कुछ, ये जो चीज़ें हो रही हैं मुसलसल, ये जो हिंदू या मुसलमानों के खिलाफ, ये यूपी में ही हो रही हैं, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, योगी जी को हो रहा है, और उनका जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है, उनका वोट बैंक ख़राब हो रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आगे वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये जो बड़े इलेक्शन होकर गए हैं उसमें भी जो है ना, आप देख लीजिए अखिलेश यादव पार्टी जो है वो आगे बढ़कर आई है और वहाँ पे सीटें जीती है, और अब आने वाला इलेक्शन भी यूपी में दोबारा से हो रहा है सीएम के लिए भी, तो यहाँ पे जो है ना वो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है और वहाँ पे जो है ना लोगों को इंतजार का सबब बनाया जा रहा है। लेकिन इसको और तरीके से भी किया जा सकता था, मिल बैठ के। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी दे दिया है, और ये मामला फिर जो रुक गया है, और फिर आगे चलकर ये फिर मामला वहाँ पकड़ लेगा, तो ऐसे मामलात को नहीं उठना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरी नज़र में अगर जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे योगी जी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है ना वो इलेक्शनों में जो वोटर्स जो है ना उनका टर्नआउट जो है ना वो दूसरी तरफ गया, और अखिलेश यादव पार्टी पकड़ी किस वजह से, इन्हीं मुद्दों की वजह है। ये छोटे छोटे मुद्दे, ये मुसलमान जो है ना ये लाई लग हैं, इनको जिस तरफ लगाया जाता है लग जाते हैं, और इनको जो बात दिखाना होता है, देखा ये बात हो गई, ये आपको खत्म करने वाले हैं, ये जो डर है इसी डर के ऊपर जो है ना वो कांग्रेस ने जो है ना 70 साल हुकूमत की है, और आप इसी के मुद्दों को उठाकर वो जो है ना इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मुसलमानों को चाहिए कि भाई आप देखिए, हर दुकानदार ने लिखा होता है अपनी दुकान का नाम नीचे, प्रोपराइटर लिखा होता है, इसमें लिखने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, प्रोपराइटर सबके पास होता है, लेकिन इसको मुद्दा बना दिया गया, इसको नहीं है। देखें
इलेक्शन में सपोर्ट मिलती है नहीं मिलती, सिर्फ इलेक्शन ही बड़ा मामला नहीं होता, नहीं होता। मामला ये है कि अगर आपकी यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है उसको रोकथाम किस तरह से करनी है तो उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप हर बार छोड़ दें, आपके पास ऊपर पत्थरबाजी हो और फिर लोगों के मकान ढाए जाए या जो उसमें मुलव्वज़ हो उनके उन पर पकड़ा जाए उनको, तो पहले से ही इसकी रोकथाम के लिए ये जो इकदाम करे जा रहे हैं। जिस दिन यात्रा होती है उस दिन वहाँ पे जो ना रेड़ियाँ ढाबे लगाए ना जाए, रोड खाली हो जाते हैं, हम भी तो मोहरम पे करवाते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आप देखिए नेम प्लेट लिखने से, जो प्रूफ राइटर लिखने से जो पत्थरबाजी वो रुकने का नाम नहीं लेगी। ये कॉन्ट्रोवर्सी फैलाई जा रही है और ये नुकसान हो रहा है यूपी सरकार को। अगर देखे मेरी ओपिनियन है आगे यूपी सरकार साबिर सुल्तानी साहब की राय का एहतराम करते हुए आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि आपकी जो वोटर है आपको वोट बैंक से हाथ धोना पड़ेगा। आप जो ये आप दो चुके हैं और आगे भी आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े ये जो इलेक्शन सेल चलाते हैं और उसके पीछे इनका माइंड काम करता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।